गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड आई एम गुड टू। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना स्किन केयर रूटीन, मतलब सारी होम रेमेडीज होंगी। मैंने पूरी तैयारी कर ली है, अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। क्लेंजिंग, स्क्रबिंग होती है, फेस पैक होता है, इवन जो बाजू पे भी जो टैनिंग है उसको भी रिमूव करने के लिए वी विल डू एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने सब कुछ रखा है, हल्दी, बेसन, कॉफी, नींबू का रस, बीटरूट रस, कर्ड और कुछ चीजें जो हमारे बीच बीच में काम आएंगी। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा दैट इज आइसिंग। तो मैं आइस लेकर आई हूँ, आइस डालते हैं हम पानी में। इतने अच्छे से डाली मैंने, ठीक है कम है बट हम इससे काम चला लेंगे क्योंकि ठंड हो चुकी है। सो लेट्स डू फर्स्ट स्टेप। ठंडा ठंडा ठंडा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ठंडा है लेकिन बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग भी है। Okay, so we are done with the first step and बहुत ज़्यादा ठंडा था but बहुत ज़्यादा refreshing लग रहा है, है ना? इस मैडम को एक बारी देखना जरा, ऊपर एसी चलाया हुआ है फिर कहती है ठंडा हो रहा है, देखना हाल देखना हाल देखना है। क्लेंजिंग मेरे पास लैक्मे का क्लेंजिंग मिल्क है, तभी मैं बोल रही थी ना कुछ ऑन एंड ऑफ चीजें होंगी कुछ होम रेमेडीज है कुछ बाहर की है, तो ये वाला यूज करते पहले। थोड़ा सा हम लोग क्लेंजिंग मिल्क लेंगे। जो क्लेंजिंग मिल्क है बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे बस वाइप ऑफ कर लिया और अब हम इसको वॉश नहीं करेंगे। नाउ विल कम टू द थर्ड स्टेप व्हिच इज एक्सफोलिएटिंग स्क्रबिंग। लेट्स ऐड सम हनी एंड सम रोज वाटर, थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स 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 मिक्स। नाउ लेट्स डू द स्क्रबिंग। लुक एट दिस, नाइस, मेरी टैनिंग बाय बाय। Now let's wash face. Oh, मच्छी लग रही हूँ है ना? मच्छी नहीं, अच्छी लग रही हूँ मैं। All done. ओ कितनी मोटी लग रही हूँ मैं। Time for the fourth step जो कि है tanning removal वाला face pack. सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नींबू का रस, हनी डालेंगे थोड़ा सा और डालेंगे दही। मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखो कितना अच्छा बैटर बन गया, वेरी नाइस। इसको हम एटलीस्ट रखेंगे 20 मिनट्स, वैसे तो 15 मिनट्स बोलते हैं, मैं 20 मिनट्स रखती हूँ। ओके, सो 15 मिनट्स हो चुके हैं बट ये स्टिल नहीं सूखा, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो गया। सो नाउ लेट्स वॉश इट। सो मैंने स्पेशली ऑनलाइन ऑर्डर करवाया है ये डव का एक्सफोलिएटर, ये बॉडी स्क्रब है। So, अब हम लोग इसको लगाते हैं अपनी आर्म पे और सारी टैनिंग निकालते हैं। लेट्स गो। सो मैंने बहुत अच्छे से स्क्रब को अपनी आर्म पे लगा दिया। दिस इज बॉडी स्क्रब, तो आप इसको पूरी बॉडी पे इस तरीके से अच्छे से मसाज कीजिए। सो ये छोटे छोटे जो दाने हैं ना, ये पूरी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे और आपके नए स्किन सेल्स जल्दी आएंगे। ओके, सो अब हम लगाने जा रहे हैं लास्ट फेस पैक विच इज ऑफ बीट रूट। ये फेस पैक आपको गोरा भी करेगा और आपके जो ये थोड़े होते हैं ना डार्क स्पॉट्स वगैरह वो भी हटाएगा एंड आपको पिंकिश ग्लो देगा जो कि मेरा फेवरेट है। ओके, लेट्स डू इट। थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी दही एंड थोड़ा सा बीट रूट का रस। आइसक्रीम लग रही है अब इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। नाउ लेट्स अप्लाई इट। आहा, ठंडा ठंडा, नाइस। अब इसकी थोड़ी सी जेंटली मसाज करेंगे और इसको अब्सॉर्ब होने देंगे और फिर 15
15 मिनट बाद फेस वॉश करेंगे। सो हमारा स्किन केयर बहुत अच्छे से हो गया, मैंने आपको बॉडी स्क्रब भी दिखा दिया है। सो नाउ आई हैव टू गो फॉर शावर, बट उससे पहले मैंने सोचा आपको ये भी दिखा देती हूँ साथ साथ। सो दिस इज डव हेयर मास्क, जो आपके हेयर को प्रोटेक्ट भी करेगा, शाइनी भी करेगा और अच्छा भी बनाएगा। तो ये मैं हमेशा यूज करती हूँ। सो अभी मैं थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद मैं शावर के लिए जाऊंगी। सो लेट्स यूज सम। ये एक्चुअली मेरा खत्म हो गया था तो मैंने अभी ऑर्डर किया ये। एक्चुअली एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिन लोगों को स्ट्रेट हेयर पसंद है ना, कि हमारे थोड़े सिल्की से बाल लगे और स्ट्रेट से लगे, वो लोग कोकोनट मिल्क या फिर कोकोनट क्रीम ये हफ्ते में ना एक या दो बार यूज करो, उससे ना बड़े स्ट्रेट होते हैं। मैं पहले बहुत यूज किया करती थी तो आई थिंक मेरा आज तक थोड़े यू नो स्ट्रेट हैं बाल। सो मैंने अपना हेयर मास्क अप्लाई कर लिया है, मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रखूंगी एंड देन आई विल गो टू शावर और उसके बाद मैं आपको पूरा एंड रिजल्ट दिखाती हूँ। ओके सी यू लेटर। ओके सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अभी मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है एंड लिपस्टिक लगाई है क्योंकि मैं लिपस्टिक के बिना थोड़ी अजीब लगती हूँ। सो अगर आपको मेरा मेकअप रूटीन भी देखना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं वो वाली वीडियो भी बना दूंगी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।